नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर। हम आज बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड, बिना समय गवाए जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने टेंस से रिलेटेड मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से टेंस की वीडियो देखिएगा, ताकि जो चीज़ें जो बातें मैं यहाँ पे करूँगा वो चीज़ें आपको वो टर्म्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या है? टेंस मैंने आपको बताया है कि टेंस है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का क्या है? एक रूप है। कॉन्टिन्यूस क्या है? कॉन्टिन्यूस होता है एक एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट? कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट। ये हमें क्या बताता है? ये हमें किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? काम के जारी रहने के बारे में। अब देखिए पास्ट क्या है? पास्ट है दोस्तों टाइम। क्या है? टाइम। तो पूरे इस जो इसका ये नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको समझते हैं। इसको समझने से आधे से ज्यादा टेंस हमारा ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है कि टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस हमें सेंस देता है किसी काम के जारी रहने के बारे में, और पास्ट क्या है? समय। तब ओवरऑल क्या निकल के आता है? और ये निकल के आता है कि पास्ट टाइम के अंदर ऐसा कोई काम, पास्ट टाइम के अंदर ऐसा कोई काम जो जारी था, उस काम को बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोला मैंने? कि पास्ट टाइम के अंदर ऐसा कोई काम जो जारी था, उसको बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। उम्मीद है कि मुझे आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिए बात करते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूस यहाँ पे एस्पेक्ट, अगर कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट के अंदर हमें क्या लगानी पड़ेगी? आईएनजी वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी? आईएनजी वर्ब। क्योंकि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोल देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के साथ जो वो वर्ब बनती है वो होती है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और ये फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, ये फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, इसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन लोग यूज करेंगे वॉज एंड वर। अब देखने वाली ये बात है कि वॉज का प्रयोग अपने कहां पे करेंगे और वर का प्रयोग कहां पे करेंगे। देखिए अगर आपको मिलता है आई, ही, शी, इट या फिर एनी सिंगुलर नाउन, इनके साथ अपने क्या यूज करेंगे? वॉज का प्रयोग। और वो वर का प्रयोग कहां करेंगे? अगर आपको मिलता है यू, वी, दे या फिर एनी प्लूरल नाउन। तो अब तक आपने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर। वॉज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे? यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ। और मेन वर्ब क्या लग जाएगी? हमारी आईएनजी फॉर्म। अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। यूजली हमें क्या है, जब हमें एक वर्ब भरनी होती है तब कुछ कीवर्ड्स होती है जो हमारी हेल्प कर देती है टेंस को आइडेंटिफाई करने में, टेंस को पहचानने में। तो देखिए कीवर्ड्स देखते हैं क्या है। देखिए अगर आपको मिल जाता है एट That time, at that moment, those days, ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपकी हेल्प करती है टेंस को आइडेंटिफाई करने में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि सारी स्ट्रक्चरें जो है वो अफर्मेटिव से ही निकल के आएगी। अगर हमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आ जाती है तो हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सारी स्ट्रक्चर इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है। देखिए अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है उसका जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। और तो हम बात किसके अंदर कर रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी आ जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है
तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। टेंस कौन सा हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताई थी? हाँ, वाज एंड वर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वाज वर। और अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या बनी? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो देखिए। तो ये नेगेटिव के लिए आपको दिमाग में याद रखना है कि नेगेटिव का मतलब है नोट। हमें नोट लगाना होगा। और नोट याद रखिएगा आपकी, कभी भी नोट अकेला नहीं आएगा। नोट कभी भी अकेला नहीं आएगा। नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। कहां आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। हेल्पिंग वर्ब कहां है? ये रही। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले क्या लगाना होगा हमें? नोट। तो स्ट्रक्चर तैयार है। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनी। वाक्य हमारा किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नोट। और नोट के बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज वर। मैन वर्ब क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म। इतनी क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिसका जवाब हमें यस या नो के अंदर मिले, उसको हम बोल देते हैं यस नो टाइप। दूसरा वो जिसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। क्यों? एक्सप्लेन क्या करना पड़ेगा? वो हमें वो डब्ल्यू एस जो वर्ड दिया होगा वो बताएगा। बात समझ आई? तो पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप की। देखिए यस नो टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा किससे स्टार्ट होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? क्या है हेल्पिंग वर्ब? हाँ, हेल्पिंग वर्ब हमारी है वाज एंड वर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? वाज या वर से। वाज वर के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंटेरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन तो लगाना ही पड़ेगा हमें। लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैन वर्ब क्या आ जाएगी? मैन वर्ब आ जाएगी हमारी आई एन जी फॉर्म। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर रख दिया और सेम जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था उसे रख दिया। देखिए क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले। अब क्या बचा? सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है? सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। वो अफर्मेटिव था तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ये इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ गया। इतनी क्लियर है? अब देखिए डब्ल्यू एच टाइप की बात करते हैं। देखिए डब्ल्यू एच जो सेंटेंस है वो हमारा स्टार्ट किससे होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से। उसके बाद आपने क्या करना है? ये सेम स्ट्रक्चर यहां पे उतार देनी है। ये सेम स्ट्रक्चर यहां पे उतारेंगे तो क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा भाई? वाज एंड वर। मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप बनाइए नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो आप बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे सब्जेक्ट दिख रहा है सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दीजिएगा तो वो आपकी बन जाएगी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसके यूज देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज होगा। अब हम इसका पहला यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। देखिए क्या निकल के आ रहा है कि टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। देखिए ये कहना चाहता है कि पास्ट टाइम के अंदर
कोई भी दो एक्शन पास्ट टाइम के अंदर, कोई भी दो एक्शन जो क्या एक ही समय पर हो रहे हो। क्या बताना चाहता है कि पास्ट टाइम में दो एक्शन जब एक साथ चल रहे हो, पास्ट टाइम के अंदर दो एक्शन जब एक साथ चल रहे हो, उस एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो देखिए किस तरीके से, अरे मैं बोलूं कि जब मैं टीवी देख रहा था, क्या लिखा मैंने कि जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा भाई कहां बाजार जा रहा था। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस के अंदर काम क्या था, काम कॉन्टिन्यू था लेकिन समय समय एक ही था। काम दो है और काम का एस्पेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यू लेकिन टाइम पास्ट का है। तो देखिए क्या बनेगा कि वाई मैं टीवी देख रहा था, क्या मैं और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब देखिए अगर आप इस सेंटेंस के अंदर नोट करते हैं तो क्या इसके अंदर कहीं नहीं दे रखा है, नहीं। क्या कहीं क्वेश्चन मार्क दे रखा है, नहीं। तो आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। आई के बाद क्या आएगी, आई के बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ क्या आता है भाई, वोज। अब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, टीवी देखना, टीवी देखने के लिए हम यूज करते हैं वॉच का, यूज किसका, वॉच का। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई क्या कर रहा था, मेरा भाई बाजार जा रहा था। तो मेरे भाई के लिए हम यूज करेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा भाई, देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, वॉज, माय ब्रदर वॉज बाजार जाने को बोलेंगे गोइंग टू मार्केट। क्या बना कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, माय ब्रदर वॉज गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को हम देखिए, यहाँ पे आप अगर नोट करोगे तो यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या लगाया, वाइल। अब देखिए वाइल का प्रयोग अपने कब करते हैं, जब एक समय में दो काम हो रहे हो। कैसे कि मैं खाना खा रहा था जबकि मेरा भाई टीवी देख रहा था, मैं बाजार जा रहा था जबकि मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो आप देख रहे हो कि टाइम एक ही है लेकिन काम दो हो रहे हैं। इन दो काम को जोड़ने के लिए मैं हिंदी में एक वर्ड यूज कर रहा हूं जबकि, जबकि को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बोल देंगे हम वाइल। देखिए जो इसका नेक्स्ट यूज है वो क्या है, वो ये है एक्शंस टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन एट द, टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग, to express action going on at the same time when another action takes place। तो क्या बताया मैंने कि to express actions going on at the same time where another action take place, कि एक ऐसे काम को बताने के लिए जब एक एक्शन चल रहा हो और उसी के दौरान एक दूसरा एक्शन होता है, उस चीज को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इस बात को समझने के लिए आप जरा यहां देखिए कि मैं बताना क्या चाहता हूं एक्चुअल में। मान लीजिए कि ये एक एक्शन है, ये क्या है, एक्शन, एक्शन बोले तो कोई काम है, क्या है ये, कोई काम, और ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है, टाइम है। अब देखिए किसी पास्ट टाइम के अंदर कोई काम चल रहा था लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि एक दूसरा काम होता है, एक दूसरा काम शुरू होता है और वो होने के साथ ही क्या है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। कोई काम शुरू होता है और कुछ देर चलता है और जल्दी क्या वो खत्म हो जाता है। तो वहां पे जो काम चल रहा था, जो काम चल रहा था, इस काम को बताने के लिए तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट
कॉन्टिन्यूस का, और जो काम शुरू हुआ और शुरू होने के साथ क्या है बहुत ही जल्द खत्म हो गया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेंस का। किसका? पास्ट इंडेफिनेंस का, जिसको हम बोल देते हैं सिंपल पास्ट। क्या बोल देते हैं? सिंपल पास्ट। तो मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला कि जब पास्ट टाइम के अंदर एक एक्शन चल रहा था उसी के दौरान क्या होता है, एक दूसरा एक्शन शुरू होता है, कुछ देर चलता है और क्या है, जल्दी ही खत्म हो जाता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो जो एक्शन चल रहा था उसको तो हम बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, और जो एक्शन शुरू होकर जल्दी ही खत्म हो गया उसको हम किसमें बताएंगे, सिंपल पास्ट के अंदर। ये ही इस लाइन का मतलब है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए किस तरीके से, एग्जाम्पल देखिएगा कि माई फादर वॉज फीडिंग द काउज व्हेन आई रीच। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर दो सेंटेंस है कि माई फादर वॉज फीडिंग द काउज, और दूसरा सेंटेंस व्हेन आई रीच्ड होम। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये बता रहा है कि माई फादर वॉज फीडिंग द काउज, फीडिंग होता है खाना खिलाना, जब किसी को भोजन, पशु है तो पशुओं के खाना खिलाने से मतलब यानी कि चारा डालने से है कि माई फादर वॉज फीडिंग द काउज, मेरे पापा क्या कर रहे थे, पशुओं को चारा डाल रहे थे या चारा खिला रहे थे, जब कब, जब मैं घर पहुंचा। अब इन दोनों सेंटेंस को समझते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। देखिए पहला सेंटेंस ये है कि माय फादर वाज फीडिंग द काउ, यानी कि मान लीजिए पास्ट में यहां से काम स्टार्ट हुआ और काम अभी क्या है, चल रहा है। उसी दौरान क्या होता है कि जैसा सेंटेंस बोला है कि आई रीच होम, मैं घर आया, अब मैं घर पे आ चुका हूं, यानी कि मेरा घर पे जो आने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, नहीं हो चुका, वो काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या है, जो पिताजी थे वो अभी भी क्या कर रहे थे, पशुओं को खाना खिला रहे थे, यानी कि जब मैं घर पहुंचा तब पापा क्या कर रहे थे, तब पापा पशुओं को चारा डाल रहे थे। बात समझ आई? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो ऐसे काम, एक काम जब चल रहा हो उसी दौरान दूसरा काम स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा काम क्या है, जारी रहता है। उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और जो दूसरा काम था जो स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो चुका है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, आई रीच होम, यानी कि उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट का, या जिसे हम बोल देते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इतना क्लियर है? अब आगे देखिए नेक्स्ट यूज है वो ये है, टू एक्सप्रेस टेम्प्रेरी एक्शंस। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि टेम्प्रेरी एक्शन को बताने के लिए हम कॉन्टिन्यू एस्पेक्ट का यूज कर रहे हैं। अगर हमारा टाइम पास्ट है तो वो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर हमारा टाइम प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हमें याद क्या रखना है कि टेम्प्रेरी एक्शन को किसमें हम बताएंगे, जो अगर पास्ट का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, टेम्प्रेरी एक्शन अगर हमारा प्रेजेंट का है तो किसमें बताएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इतनी बात क्लियर हुई? अब टेम्प्रेरी एक्शन क्या है, देखिए सिंपल से कोई भी जो काम है कि मैं पढ़ा रहा था, पापा टीवी देख रहे थे, मेरा भाई खेल रहा था, स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, टीचर पढ़ा रहा था, यानी कि पास्ट टाइम के अंदर काम चल रहा था। क्या जरूरी है कि टीचर अब भी पढ़ा रहा हो, पापा अब भी टीवी देख रहे हो, भाई अब भी खेल रहा हो, मम्मी अब भी खाना बना रही हो? नहीं, आप बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट का कोई टेम्परेरी एक्शन था, वो काम वो करते नहीं रहते। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो उसी चीज को बताने के लिए सिंपल सा कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे कि सीता खेल रही थी, सीता खेल रही थी। तो देखिए सबसे पहले पहचानिए काम क्या है, काम है खेलने का, और खेलने को हम बोल देते हैं प्ले। क्या बोल देते हैं? प्ले। अब देखिए इस काम को करने वाला कौन, करने वाली है सीता। कौन? सीता। तो सीता को हम सीता लिख देंगे यहां पे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सीता सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वो, सीता वोज। अब आईएनजी, आपको पता वोज के साथ आईएनजी लगता है, तो प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। सीता वोज
प्लेइंग, सीता क्या कर रही थी, खेल रही थी। अब इसे ही अगर हमने यस नो टाइप का बनाना तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वोज बाहर आ जाएगा और पूरा वाक्य एडिट आ जाएगा, सीता प्लेइंग, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या सीता खेल रही थी। अगर हमें यह पूछना हो कि सीता क्या खेल रही थी, सीता क्या खेल रही थी, तो यहां पे हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे कि व्हाट, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो यस नो टाइप वाली स्ट्रक्चर थी वो एज इट मैंने आपको करवाई थी, और यस नो वाला हमारा वाक्य यहाँ पे कौन सा है, ये पूरे वाक्य को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा डब्ल्यू एच वाला हो जाएगा। कैसे, देखिए, व्हाट वाज सीता, इंटरोगेटिव है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। बात समझ में आई? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।